ओके गाइस सो दिस इज हितेश त्रिपाठी एंड दिस इज अनदर वीडियो ऑफ कोर्ट फोर्सेस राउंड 672 डिवीजन टू क्वेश्चन बी एडिटोरियल रॉक एंड लिवर ओके सो दिस वाज बिट मास्किंग का क्वेश्चन था और इसमें क्या हमें बताना था नंबर ऑफ पेयर्स सच दैट आई इज लेस देन जे एंड ए आई एंड ए जे इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू ए आई जॉर ए जे मीन्स दो नंबर्स का एंड शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू दो नंबर्स का हो ओके तो इसकी कंडीशन बताता हूँ ये होगा कब ठीक है फाइन ऐसा कब होगा फॉर से वी हैव टू नंबर्स ठीक है ए एंड बी ओके इन ती इन दोनों नंबर्स में क्या रिलेशन हो सकता है इन दोनों नंबर्स में पहली बात तो हमें बिट में ऑपरेशन परफॉर्म करना होता है ठीक है लेट से इसकी कुछ बिट्स हैं वन वन जीरो वन और इसकी कुछ बिट्स हैं वन 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 ओके फाइन नाव वी हैव टू टेल कि इसका और इसका एंड शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू ए जोर बी ऐसा कब होगा एंड इसका इससे बड़ा कब होगा ये केस देखते हैं वेन जो इसकी मैक्सिमम सेट बेट है विच इज़ दिस ठीक है अगर दोनों को फाइव फाइव बिट का कर दें तो ऐसा हो जाएगा ठीक है मैक्सिमम सेट अगर ये ऐसे हैं दो नंबर्स ठीक है फाइन अगर आप इन दोनों का ज़ोर निकालेंगे तो जोर क्या होता है जोर ऑपरेशन इज़ वन ज़ीरो वन हो जाएगा ज़ीरो वन वन हो जाएगा और ज़ीरो 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 वन वन ज़ीरो ठीक है ये जोर होता है एंड आप लोगों को पता होगा तो अगर मैक्सिमम सेट बिट नंबर की डिफरेंट हुई और वी कैन से दैट मैक्सिमम सेट बिट ऑफ ए क्या है फोर है ठीक है मैक्सिमम सेट बिट ऑफ बी क्या है फाइव है अगर ये दोनों डिफरेंट हुई मीन्स कोई फोर हुआ या कोई फाइव हुआ या फाइव हुआ या फोर हुआ, हुआ अगर डिफरेंट हुई तो हमारा क्या होगा फर्स्ट बिट जोर अगर करेंगे तो क्या हो जाएगा फर्स्ट बिट सेट हो जाएगी तो ए और बी के जोर में फर्स्ट बिट सेट हो जाएगी और आप अगर ऐसे करते जाओगे तो सेकेंड और थर्ड बिट तो चलो ज़ीरो हो जाएगी और फोर्थ बिट फिर से वन हो जाएगी फिफ्थ बिट ज़ीरो हो जाएगी ठीक है इन दोनों का एंड आप कुछ भी निकालो ठीक है एंड आप निकालोगे कभी भी तो उसकी जो फर्स्ट बिट है वो हमेशा ज़ीरो ही आएगी बिकॉज़ ये अनईक्वल है है ना फोर और फाइव अन है मीन्स जो उसकी मैक्सिमम बिट है वो कोई वन होगी और दूसरी वाली ज़ीरो होगी ठीक है तो डिफरेंट होंगी और अगर डिफरेंट हुई तो एंड की वैल्यू क्या आ जाएगी ज़ीरो तो मैक्सिमम बिट ए एंड बी की ज़ीरो हो जाएगी और बाकी कुछ भी वैल्यू आए लेट्स ये सारी वन हो जाती हैं दिस विल ऑलवे एंड जो होगा ए बी का विल बी ऑलवेज लेस देन जोर ऑफ ए बी ये चीज़ समझ में आ गई अगर मैक्सिमम सेट बिट ऑफ़ ए एंड बी डिफरेंट टाइम तो मैक्सिमम सेट बिट ऑफ एज और बी सेट हो जाएगी ठीक है ध्यान से सुनो ऑब्जर्व करना अगर मैक्सिमम सेट बिट ऑफ ए एंड बी डिफरेंट आई ठीक है तो मैक्सिमम सेट बिट ऑफ ए बी डिफरेंट है तो मैक्सिमम सेट बिट ऑफ एज और बी वन हो जाएगी एंड सेट बिट ऑफ ए एंड बी क्या हो जाएगी जीरो हो जाएगी सो so, अल्टीमेटली आगे की बिट चाहे जो भी हो हमारा एज और बी विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन ए एंड बी ठीक है सेकेंड केस क्या बनता है मैक्सिमम सेट सेटबिट सेम है मीन्स ए एंड बी में मैक्सिमम सेट सेटबिट सेम है लेट से वन 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 एंड वन जीरो जीरो ठीक है मैक्सिमम सेट सेटबिट दोनों की वन है तो so, एंड क्या आएगा वन आगे की सेट बिट चाहे कुछ भी हो कोई मतलब नहीं है ए एंड बी का मैक्सिमम सेट बिट सेट हो जाएगा और ए जोर बी का मैक्सिमम सेट बिट ज़ीरो हो जाएगा सिंस क्या है दोनों वन है तो जोर में मैक्सिमम सेट बिट ज़ीरो हो जाएगा आगे की कुछ भी हो कोई मतलब नहीं है तो ए एंड बी विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू ए जोर बी ठीक है तो हम वो पेयर हमेशा ले सकते हैं जब ए की और बी की सेट बिट इक्वल है लेट से इसकी सेट बिट एक्स है इसकी सेट बिट एक्स है अगर ये दोनों इक्वल हैं, तो हम इसका पेयर बना सकते हैं अगर ये दोनों डिफरेंट हैं, तो हम इसका पेयर नहीं बना सकते ठीक है तो वॉट वी विल सिंपली डू हम पूरी एरे में एरे ए में सबकी सेट बिट निकाल लेंगे ठीक है एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री कुछ कुछ ठीक है एंड सिंस ए ऑफ आई इज़ लेस देन टेन इज़ नाइन तो मैक्सिमम सेट बिट कितनी होंगी थर्टी टू तक ओके और फॉर एच केस अगर आपको कोई डाउट है तो आप फोर्टी ले लो फोर्टी से बड़ा तो होगा ही नहीं ये तो हमको पता ही है ठीक है हमें कुछ नंबर मिलेंगे यहाँ पे वन टू थ्री थ्री टू ठीक है हम क्या करेंगे इसकी फ्रिक्वेंसी एरे बना देंगे फ्रिक्वेंसी एरे में हमें क्या मिल जाएगा फ्रिकवेंसी एरे का साइज ऑब्वियसली थर्टी टू लेंगे अब जिस जिन नंबर्स की बिट वन है वो नंबर्स कितने हैं मान लो वन है जिन नंबर्स की बिट टू है वो नंबर्स कितने हैं टू हैं जिन नंबर्स की बिट थ्री है वो नंबर मान लो के हैं अब के नंबर्स का यूज़ करके तुम मैक्सिमम कितने डिफरेंट पेयर्स बना सकते हो एन एन माइनस वन बाई टू ठीक है तो तुम इटरेट करोगे अपनी फ्रिक्वेंसी एरे में और हर नंबर का यूज़ करके तुम इतने पेयर्स बना सकते हो इसको अपने नंबर ऑफ पेयर्स में ऐड करते जाओगे इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन ऑलवेज आस्क इन कॉमेंट सेक्शन ठीक है सिंपली हमने क्या किया वन सेकेंड का ओके ये मेरा फंक्शन रहा जो मैक्सिमम सेट बिट या नंबर ऑफ़ बिट्स काउंट करेगा नंबर ऑफ बिट्स और मैक्सिमम सेट बिट सेम चीज़ है क्योंकि जो लास्ट फट फर्स्ट बिट होगी उसी के इक्वल होगा तुम्हारा नंबर ऑफ़ बिट्स एंड मैक्सिमम सेट बिट भी वही होगी ठीक है फाइन ये क्या किया इसमें मैं स्टोर करवा रहा हूँ मैक्सिमम सेट बिट या नंबर ऑफ बिट्स इन एक्स इन ए ऑफ आई ठीक है ये मैंने किया बी ऑफ आई में काउंट ऑफ ए ऑफ आई स्टोर करवा दिया फ्रिक्वेंसी आ बनाई मैंने फोर्टी तक ले ली ठीक है आप थर्टी टू तक ही लेना फिर मैंने क्या किया फ्रिक्वेंसी आ अपडेट कर दी फिर सम बनाया जिसमें हम नंबर ऑफ़ पेयर्स डालेंगे पूरी फ्रिकवेंसी आ में मैं किया कहीं पर भी फ्रिकवेंसी आ ग्रेटर देन ज़ीरो है सम में क्या कर दिया एफ ऑफ आई मल्टीप्लाई एफ ऑफ आई माइनस वन बाई टू टोटल नंबर ऑफ पेयर्स कितने हो जाएंगे सम के इक्वल आई होप की ऑब्जर्वेशन समझ में आ गई होगी थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था एंड uh, मैं फर्दर क्वेश्चन के एडिटोरियल्स भी डालता हूँ टिल देन इफ यू लाइक दिस वीडियो गिव अ अप एंड सब्सक्राइब दिस चैनल इफ यू हैवेन डन यट थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो